हेलो गाइज, मैं हूं मिनीश वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा फाइलिंग का टॉपिक है वो चल रहा है, जिसकी 4 से 5 क्लासें वो हो चुकी हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं फाइलिंग ऑपरेशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार की जो कुछ स्पेशल फाइलें होती हैं उनकी जानकारी हमने ली थी। आज हम देखेंगे कि फाइलिंग ऑपरेशन है वो किस प्रकार किया जाता है, क्या फाइलिंग ऑपरेशन होता है, किस प्रकार से हमें फाइल को यूज करना चाहिए। तो इसमें क्या दिया है, कार्य के अनुसार फाइल का चयन करना चाहिए जिसमें हैंडल लगा हो, यानी कि फाइल का कार्य के अनुसार हमें यूज करना चाहिए जिसमें क्या हैंडल लगा होना चाहिए। यानी कि अगर हम बिना हैंडल वाले फाइल का यूज करते हैं तो फाइल का जो टैंग होता है वो पीछे से नुकीला होता है, इसी वजह से क्या वो हमारे हाथ की हथेली में चुभने का डर रहता है। इसी से बचने के लिए क्या हम हैंडल का यूज करते हैं, जिससे क्या हम हैंडल को प्रॉपर तरीके से हाथ से पकड़ सकते हैं, तो इससे हमारी ग्रिपिंग पावर है वो भी सही बनती है और जो हम उस पर ताकत लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, तो वो भी क्या है सही से उस पर अप्लाई हो पाता है। इसीलिए क्या है फाइल को हैंडल के साथ में ही हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, जॉब को वाइस दिशा से 3 से 6 mm ऊंचा रखना चाहिए और वाइस की ऊंचाई है वो कारीगर की लंबाई के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको नॉर्मली पता है कि जो वाइस की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो कारीगर की कोहनी के बराबर होनी चाहिए। यानी कि अपनी ठुड्डी के नीचे अगर हाथ बेंड करके लगाता है तो वो क्या है वाइस इस साइज पर फिक्स होनी चाहिए कि उसकी कोहनी और ठुड्डी के बीच में सही गैप उसका बना रहे। क्योंकि कुछ कारीगर होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, कुछ कारीगर होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, तो क्या है स्टैंडर्ड साइज भी इनके रहते हैं, लेकिन उससे बेटर क्या रहता है कि कारीगर की ऊंचाई है वो कोहनी के हिसाब से हम माप कर चेक कर सकते हैं कि वाइस की हाइट है वो कारीगर के अनुसार उसके लायक है या नहीं है, उसके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, ये जो वाइस की जो हाइट होती है ये हमारे जॉब पर क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है वाइस लगी हुई है जो क्या है कारीगर की कोहनी की ऊंचाई से क्या है ऊंची है। ठीक है, यानी कि कारीगर की कोहनी वो यहाँ तक आ रही है एल्बो और ये ऊंची है, तो जैसे भी वो फाइलिंग करेगा तो क्या होगी इस प्रकार से फाइलिंग होगी, तो जॉब हमारा क्या बनेगा इस तरह टेपर में बनेगा। ठीक है, इस तरह सीधा ना बन के और क्या बनेगा जॉब टेपर में फाइलिंग होगी। अगर कारीगर की हाइट है वो ज़्यादा है तो क्या होगा आगे की तरफ है वो हमारा जॉब है वो टेपर होने लग जाएगा। ठीक है, इस साइड से धातु कम घिसेगी, तो इसीलिए क्या है लेवल है वो कोहनी की हाइट के बराबर होना चाहिए, एल्बो के बराबर होना चाहिए, जिससे कि हम जॉब को सीधा घिस सके, प्लेन बना सके। ठीक है डियर फ्रेंड, और जॉब को वाइस जा से 3 से 6 mm ऊंचा बांधना चाहिए। जैसे कि ये हमारे क्या है यहाँ पर वाइस जा है, तो यहाँ पर अगर हम जॉब बांधते हैं इनके बीच में तो ये जो हाइट है ये वाली हाइट ये 3 से 6 mm तक होनी चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, 3 से 6 mm तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, फाइल हैंडल को हथेली का सहारा देकर पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो फाइल के हैंडल को क्या है हथेली का पूरा सहारा देकर पीछे से, जैसे कि ये हमारा क्या बना हुआ है फाइल का हैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हथेली का सही सहारा होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या सही ग्रिपिंग होनी चाहिए। हथेली का सहारा देकर हमें क्या है फाइल के हैंडल को पकड़ना चाहिए ताकि क्या हम एक सही तरीके से उसमें फोर्स लगा सकें। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो आगे इसमें दिया हुआ है वाइस के सामने खड़े होकर कार्य करने, क्या बोलना है वाइस के सामने खड़े होकर कार्य करें तथा दोनों पैरों के बीच 200 से 300 mm की दूरी होनी चाहिए। यानी कि जो कारीगर खड़ा होता है तो उसका एक पैर यहाँ पर रहता है, दूसरा पैर यहाँ पर रहता है, इस प्रकार से दोनों पैर इसके बने रहते हैं। तो इसमें हमारा क्या रहता है कि एक पैर है वो यहाँ पर रहेगा, दूसरा यहाँ पर रहेगा, तो इनके बीच की जो दोनों पैरों की दूरी होती है वो 200 से 300 mm होनी चाहिए, यानी 20 cm से 30 cm के बीच में
रहनी चाहिए। और वाइस की क्या है, सामने खड़ा होना चाहिए, जिससे क्या है हम जॉब के ऊपर फाइलिंग है वो सही तरीके से कर सकें। और दोनों पैरों के बीच में दूरी क्यों बनाकर रखनी चाहिए, ताकि क्या कारीगर है वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर सके। इसलिए क्या दोनों पैरों के बीच की दूरी है वो भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है, आगे इसमें दिया है फाइल पर दबाव व ताकत फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगानी चाहिए। फाइल पर दबाव है या ताकत है, जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो क्या फॉरवर्ड स्ट्रोक में करना चाहिए, और प्रति मिनट औसतन 40 से 60 स्ट्रोक है वो होने चाहिए। कितने, 40 से 60 स्ट्रोक है वो एक मिनट में हमें फाइलिंग के देने चाहिए। ठीक है, इससे अगर हम ज़्यादा फाइलिंग के स्ट्रोक दे रहे हैं तो वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, यानी कि सही मेंटेन करके उसको रखना चाहिए स्ट्रोक को। ठीक है, और फॉरवर्ड स्ट्रोक में दबाव और ताकत क्यों लगानी चाहिए, क्योंकि फाइल अब रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग नहीं करती है, ओनली फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करती है। तो रिटर्न स्ट्रोक में हमें क्या है, दबाव और ताकत को हटा देना है, यानी कि ताकत को हटा देना है, प्रेशर को भी हटा देना है, और ओनली पीछे की तरफ खाली खींचना है, ना कि फाइल को उठाकर पीछे रखना है, ऐसा भी नहीं करना है, बस फाइल को वापस आते समय रिटर्न स्ट्रोक में फ्री आने देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है फाइल को जॉब पर एक सिरे पर रखकर शुरू करनी चाहिए और फाइल चलाते हुए दूसरे सिरे तक ले जानी चाहिए, जिससे सरफेस एक जैसी समतल बनेगी। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारा कोई जॉब है, तो इसका कहने का मतलब है फाइल को अगर ऐसे से हम फाइलिंग कर रहे हैं तो फाइल इस तरीके से करनी है कि यहाँ से चले तो दूसरे सिरे तक फाइलिंग एक साथ पहुँच जाए, यानी इस प्रकार से हमें फाइलिंग को चलाएंगे तो ऐसे, लेकिन उसको इधर की तरफ क्या करेंगे, स्लिप करेंगे, इधर की तरफ क्या करेंगे, स्लिप करेंगे, तो जैसे शुरू से ऐसे किया तो फाइल यहाँ तक आ जानी चाहिए। यानी कि ये हमारा जॉब बना हुआ है, शुरू में यहाँ पर फाइल का पॉइंट रखा और जब तक हील तक पहुँचे तब इस किनारे पर हमारी फाइल है वो चलकर ऐसे पहुँच जानी चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो वो क्या होगी, एक फाइलिंग की सही विधि होगी, जिससे सरफेस हमारी क्या बनेगी, समतल प्लेन बनेगी। अगर हम यहाँ यहाँ फाइल चलाते रहेंगे तो ये सरफेस वो नीचे हो जाएगी, ये सरफेस वो ऊंची रह जाएगी, यानी कि सरफेस फिनिश वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे इसमें दिया है फाइलिंग करते समय फाइल की पूरी लंबाई का प्रयोग वो करना चाहिए। फाइल की पूरी लंबाई का प्रयोग मतलब हील से पॉइंट तक की दूरी, कहाँ से, हील से पॉइंट तक पर, यानी जितनी बॉडी पर उसके दांते कटे हैं उस पूरे भाग का यूज है वो हमें करने चाहिए, ना कि थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं खींचना चाहिए, फाइल को पूरी लंबाई में चलने देना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ फाइलिंग के विशेष जो अलग से पॉइंट थे, बाकी नॉर्मल सभी को फाइलिंग हम करनी भी आती है। ठीक है, बुक्स में से आपने पढ़ा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको या तो नहीं मिलती है या फिर आपको बेसिक नॉलेज के लिए होना चाहिए, यानी कि जो नोट्स तैयार किए जाते हैं वो स्पेशल पर्पज़ के लिए तैयार किए जाते हैं, ताकि आपके डाउट है, मेन डाउट है वो आपके क्लियर हो सके। ठीक है, अब है प्रकोशंस। अब फाइल के कुछ प्रकोशंस भी होते हैं, तो प्रकोशंस में क्या है कि बिना हैंडल की फाइल का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। अब बिना हैंडल की फाइल का यूज है वो क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो भी मैंने आपको डियर फ्रेंड बताया था कि बिना हैंडल की फाइल का अगर हम यूज करेंगे तो उसका टैंक क्या होता है, नुकीला बना हुआ होता है उसका टैंक, तो ये हमारी हथेली में चुभने का डर रहता है। तो चोट लगने से बचाने के लिए क्या है, हम फाइल के ऊपर हैंडल लगाकर उसका सही से यूज करते हैं। साथ में क्या है, ग्रिपिंग पावर भी बढ़ाता है, और जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको भी हम सही तरीके से ट्रांसफर वो फाइल पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सही ग्रेड आकार व साइज की फाइल का प्रयोग वो करना चाहिए, यानी कि ग्रेड आकार और साइज वो क्या है, फाइल का सही होना चाहिए, ताकि हम जिस जॉब पर ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमारा सही तरीके से सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट है फाइल के फेस पर कभी भी तेल या ग्रीस है वो नहीं लगानी चाहिए। ऑयल और ग्रीस क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऑयल और ग्रीस में क्या होती है, हमारी तेलीय पदार्थ होते हैं जिनमें तरलता होती है, ठीक है, जिसमें चिकनाहट होती है, तो अगर फाइल के फेस पर लगे होंगे और अब जॉब पर हम फाइलिंग करेंगे उस फाइल से, तो हमारी फाइल क्या होगी, स्लिप होगी, फाइल कटिंग नहीं करेगी।
ठीक है डियर फ्रेंड, तो इसी से क्या है कि फाइल के फेस पर तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। अगर फाइल के फेस पर लगा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से या तो साफ करें या फिर उस फाइल का यूज हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, नई फाइल का प्रयोग करने से पहले मुलायम धातु पर रगड़ लेना चाहिए। यानी कि नई फाइल है, जैसे हमने स्टोर रूम से नई फाइल को निकाला है, निकालते ही अगर उसको हार्ड धातु पर क्या करेंगे, अगर उसकी फाइलिंग करेंगे तो उसके दांतों की धार क्या होगी, बहुत तेज होगी, नुकीले दांते होंगे स्टार्टिंग में, तो वो क्या होंगे, जैसे हम हार्ड फाइल पर उसको सॉरी हार्ड मेटल के ऊपर अगर उसकी फाइलिंग करेंगे तो वो दांते क्या होंगे, आगे से बेंड हो जाएंगे, तो जो हमारी फाइल रहेगी वो क्या कटिंग करने के लायक नहीं रहेगी। इसलिए क्या बोला है कि मुलायम सॉफ्ट धातु को रगड़ देना चाहिए, ताकि क्या है थोड़ी फाइल चल जाएगी तो वो दांते मुड़ेंगे नहीं, थोड़े थोड़े आगे से घिसेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो उसके बाद क्या हम हार्ड मेटल पर उसको यूज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कास्ट आयरन की फाइलिंग करने से पहले चीजल या फाइल के पॉइंट से उसकी स्केल को समाप्त कर लेना चाहिए। स्केल को समाप्त कर लेना चाहिए का क्या मतलब होता है, जैसे हम कास्ट आयरन की जो प्लेट होती है उसके ऊपर देखते हैं कि एक पतली सी पपड़ी जमी रहती है, ठीक है, जो क्या है उतरती रहती है आसानी से, तो उसको क्या है कि या तो चीजल से या फिर फाइल का जो पॉइंट होता है आगे से थोड़ा सा नुकीला बना होता है, थोड़ा सा क्या रहता है नुकीला बना हुआ रहता है। अगर हम सामने से देखेंगे फाइल के पॉइंट को तो वो थोड़ा सा नुकीला बना रहता है, वो नुकीला इसीलिए होता है ताकि क्या हम स्केल वगैरह को धातु पर लगी जो स्केल होती है उसको अलग कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, फाइल को कभी भी आपस में ना रगड़ें, फाइल को कभी भी आपस में रब ना करें, उन पर हथौड़ी से चोट ना लगाएं और फाइल को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। फाइल को आपस में क्यों नहीं रगड़ना चाहिए, क्योंकि अगर फाइल को हम आपस में रगड़ेंगे तो उनके दांते वो बेंड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उन पर हथौड़ी की चोट नहीं लगानी चाहिए, क्यों, क्योंकि डियर फ्रेंड अगर हम किसी भी कटिंग टूल पर हैमर से चोट लगाएंगे तो उसकी धार है वो आगे से खराब हो जाती है, धार है वो बेंड हो जाती है। और क्या किया है कि फाइल को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। फाइल को अगर हम गर्म करेंगे तो उसको जो हमने हार्ड करके टेम्पर किया है उस टेम्परिंग में क्या है, उस जो धातु को हम गर्म करेंगे मेटल को फाइल को, तो उसमें क्या है टेम्परिंग पर उसका प्रभाव है वो पड़ेगा, उसकी टेम्परिंग है वो खराब हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए क्या फाइल को गर्म भी नहीं करना चाहिए। फाइल को कभी भी आपस में मिलाकर नहीं रखना चाहिए। फाइल को क्या है आपस में मिलाकर नहीं रखना चाहिए, यानी कि जैसे कि फाइल को एक ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए, उनको क्या है सही स्टैंडर्ड साइज में क्या है एक समान दूरी पर क्या है एक लाइन में रो में उनको क्या है सही जचा कर रखना चाहिए, न कि एक ढेर के रूप में हमें फाइल को रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, सम इम्पोर्टेंट हिंट्स रिलेटेड टू फाइल। सम इम्पोर्टेंट हिंट रिलेटेड टू फाइल, यानी कि कुछ अलग से है स्पेशल बातें जो कि फाइल से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनका भी स्पेशल नोट्स बनाए हैं। डियर फ्रेंड अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पॉइंट को क्लियर करवा रहा हूँ, तो मैं आपको बेसिकली बता दूँ कि ये मेरी है वो नॉर्मल स्पीड रहती है, न कि मैं आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करवा रहा हूँ कोई भी चीज़। तो अगर आपको मेरी स्पीड है वो ज़्यादा लगती है तो YouTube पर ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अपनी स्पीड को थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि स्पीड है वो ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ डियर फ्रेंड ये मेरी नॉर्मल स्पीड रहती है जिस स्पीड में मैं पर डे वीडियो बनाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फाइल के एज पर हमेशा सिंगल कट दांते कटे होते हैं। फाइल के एज पर, यानी कि ये क्या हमारा फाइल का फेस होता है और ये दोनों तरफ क्या होता है एज होता है, जिन पर क्या कटे होते हैं सिंगल कट दांते कटे होते हैं। कभी भी आप फाइल को लेकर देख सकते हैं, उन पर हमेशा आपको सिंगल कट दांते वो कटे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट है, लकड़ी के फाइल हैंडल पर फेरुल लगा होता है। लकड़ी का जो हैंडल बना होगा फाइल का उसके ऊपर फेरुल लगा होता है। ठीक है, वो फेरुल क्यों लगा होता है, वो इसलिए लगा होता है कि जब हम फाइल के टैंक पर हम कोई हैंडल को फिट करते हैं तो क्या करते हैं हम उसके ऊपर हल्की चोट लगाते हैं तो वो इसके अंदर क्या होता है टाइट फिट होता है। और जैसा कि हमने देखा फाइल का टैंक होता है वो टेपर में बना होता है,
तो होल के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा। अब प्रेशर डालेगा तो यहाँ पर अगर फेरुल नहीं लगा होगा फाइल के हैंडल में तो हैंडल फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए, यानी कि हैंडल की सेफ्टी के लिए क्या है, हैंडल के एक साइड में या हैंडल के मुंह पर क्या लगाया जाता है, फेरुल लगाया जाता है। ये फेरुल क्या होता है, एक लोहे की राउंड आकार की पत्ते टाइप में बना होता है जो क्या है उसकी ग्रिप करके रखता है, लकड़ी को बाहर चटकने नहीं देता या फटने नहीं देता है। ठीक है, आगे इसमें दिया है रफ एंड बास्टर्ड फाइल प्रति स्टॉक 0.05 mm से 0.1 mm तक धातु है वो रगड़ सकती है। यानी कि रफ और बास्टर्ड फाइल से हम एक स्टॉक में 0.1 mm से 0.05 mm तक धातु को रगड़ सकते हैं। वह फाइलिंग परिशुद्धता है वो 0.1 mm से 0.2 mm तक होती है। यानी कि इनसे जो हमें सरफेस फिनिश मिलेगी, जो शुद्धता मिलेगी वो क्या है, 0.1 mm से 0.2 mm तक की सरफेस फिनिश रफ और बास्टर्ड फाइल से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड कट। नेक्स्ट कौन सा है, सेकंड कट और स्मूथ फाइल। ये क्या है, प्रति स्टॉक अब 0.02 mm से 0.06 mm तक धातु रगड़ सकती है। यानी कि जो सेकंड कट और स्मूथ फाइल से हम एक स्टॉक में 0.02 से 0.06 mm तक धातु को काट सकते हैं। वह फाइलिंग परिशुद्धता है वो 0.02 mm से 0.05 तक होती है। यानी सरफेस फिनिश अब हम 0.05 से 0.02 तक सरफेस फिनिश है वो सेकंड कट और स्मूथ फाइल से दे सकते हैं। और हमारी जो डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ फाइल है इनसे हम प्रति स्ट्रोक 0.01 mm से 0.03 mm तक धातु है वो रगड़ सकते हैं। यानी कि एक स्ट्रोक में 0.01 mm से 0.03 mm तक धातु है वो काट सकते हैं। वह इनकी फाइलिंग परिशुद्धता है वो 0.005 mm से 0.01 mm तक होती है। यानी कि सरफेस फिनिश है वो 0.01 mm से 0.005 mm तक ले सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि फाइल के दांते फाइल कटिंग मशीन पर स्पेशल चीजल द्वारा, मिलिंग कटरों द्वारा, स्पेशल ग्राइंडिंग व्हील द्वारा तथा ब्रोंचो द्वारा काटे जाते हैं। ठीक है, पुराने टाइम में क्या होते थे, कारीगर अपने हाथ के द्वारा चीजल की सहायता से दांते काटते थे। लेकिन आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या है, फाइल पर दांते है वो कटिंग मशीन द्वारा किए जाते हैं, जिसमें क्या स्पेशल चीजें लगती है, मिलिंग कटर्स लगे होते हैं, स्पेशल ग्राइंडिंग व्हील लगाते हैं या फिर स्पेशल ब्रोंच लगे होते हैं, जिनके द्वारा क्या है फाइल की सरफेस पर क्या है दांते काटे जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इनमें क्या है कि रैंक एंगल भी इन दांतों का रहता है, तो वो भी क्या है अलग अलग ऑपरेशन के अनुसार क्या है अलग अलग रैंक एंगल रहता है। जैसे कि चीजल द्वारा बनाए दांतों पर नेगेटिव रैंक जो कि -12 से -15 डिग्री तक रखा जाता है, मिलिंग और ग्राइंडिंग द्वारा पॉजिटिव रैंक जो कि 2 डिग्री से 10 डिग्री तक रखा जाता है पॉजिटिव रैंक, और ब्रोंचिंग द्वारा नेगेटिव रैंक जो कि -5 डिग्री तक हो सकता है। यानी कि अगर हम चीजल के द्वारा अगर हम फाइल पर दांते काट रहे हैं तो वहां पर नेगेटिव रैंक रहता है जो -12 से -15 डिग्री तक होता है। अगर हम मिलिंग या फिर ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा काट रहे हैं तो वहां पर पॉजिटिव रैंक रहता है जो 2 डिग्री से 10 डिग्री तक रहता है, और अगर हम स्पेशल ब्रोंज के द्वारा काट रहे हैं तो वहां भी नेगेटिव रैंक रहता है जो कि 0 डिग्री से -5 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल कुछ एंगल भी रहते हैं दांतों के। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या होते हैं क्रिया के अनुसार के भी कितने डिग्री पर दांते काटे जाएंगे, तो उनका क्या है रेक एंगल है वो रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइल के दांतों को एंगल या क्रव में बनाने से चिप्स को अच्छा भाव है वो मिलता है। यानी कि फाइल के दांतों को सेंटर लाइन से किसी एंगल पर काटा जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है चिप्स को अच्छा भाव मिलता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, या फिर उनको क्रव में भी बनने होते हैं दांते, तो वहां पर भी क्या है चिप्स को अच्छा भाव मिलता है, जिससे क्या है वो दांते बाहर चिप्स है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, डबल कट फाइल के फेस पर यदि दोनों सीटों के दांते एक ही एंगल में बने होंगे
सिल्वेट बनाते हुए कटिंग करेंगे, यानी कि कैसे जैसे ड्रिल के द्वारा जो सिल्वेट बनाते हुए चिप्स नहीं निकलते हैं, या फिर लेथ मशीन पर जब हम कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम सिलेंड्रिकल जो बना रहे हैं या फिर फेसिंग कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, टेपर टर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने कई बार देखा है कि सिल्वेट बनाते हुए धातु है वो कटती होती है। तो अगर हम फाइल पर भी एक ही एंगल में अगर दांतों की सेटिंग कर देंगे तो वो भी इस प्रकार से धातु को काटेंगे। तो इसीलिए कि हमको अलग अलग एंगल पर दोनों सेटों को सेट किया रहता है, ठीक है। आगे इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट इसमें है फाइल का कटिंग प्रभाव, कट के प्रकार, दांतों की स्पेसिंग, फाइल पर दांतों की व्यवस्था, फाइल के साइज और आकार पर निर्भर है वो करता है। फाइल का कटिंग प्रभाव यानी कि उसकी काटने की क्षमता है वो किन किन पर डिपेंड करती है, कि कट का टाइप क्या है, दांतों की स्पेसिंग यानी कि पिच क्या है, फाइल पर दांतों की व्यवस्था कौन से सेट में दांते कटे हुए हैं, और फाइल के साइज और आकार उसका कैसा है, इन सब पर उसका कटिंग वो प्रभाव है वो डिपेंड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है टेम्पलेट के अनुसार फाइलिंग करने के लिए वर्कपीस को टेम्पलेट के बीच रखकर फाइलिंग करनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि ये हमारा कोई टेम्पलेट बना हुआ है इस आकार का, तो इसके क्या होगी टेम्पलेट के, इस टेम्पलेट के क्या होंगे, ऐसे दो पीस बने होंगे, एक ये पीस है सेम दूसरा पीस बना होगा, ठीक है, दो पीस इसके बने होंगे। अब दोनों पीस के बीच में हम क्या रखेंगे, हमारा वर्क पीस रखेंगे, ठीक है, दोनों पीस के बीच में हमारा वर्क पीस रखेंगे, उसको वाइस में क्लैंप कर देंगे। फिर टेम्पलेट से बाहर जो हमें धातु दिख रही है, टेम्पलेट से बाहर जो धातु हमें दिखाई दे रही है, उस धातु की हम क्या कर देंगे, फाइलिंग कर देंगे। तो ये क्या है, इसी शेप में हमारी क्या है धातु वो बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि जो हमारा वर्क पीस रहेगा उस पर क्या होगा, जो टेम्पलेट है वो अपनी शेप है वो छोड़ देगा, ठीक है डियर फ्रेंड। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे इसमें दिया हुआ है पावर फाइलिंग के लिए, क्या पावर फाइलिंग के लिए एक फ्लेक्सिबल सॉफ्ट फाइलिंग मशीन और एक स्टेशनरी फाइलिंग मशीन का प्रयोग हो किया जाता है, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल फाइलिंग मशीन होती है, ठीक है, जो क्या है राउंड में घूमते हुए फाइलिंग करती है, और एक स्टेशनरी टाइप में रहती है जो क्या है आगे पीछे चलकर क्या है फाइलिंग करती रहती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्पेशल फाइल्स कुछ पढ़ाए थे, उसमें मशीन फाइल्स भी आए थे, तो वहीं वो क्या है इन फाइल मशीनों पर क्या है यूज किए जाते हैं, कहाँ पर स्टेशनरी फाइलिंग मशीन है और दूसरी क्या है हमारी जो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट फाइलिंग मशीन है। नेक्स्ट इसमें दिया है फाइलिंग अलाउंस है वो 0.05 mm तक रखा जाता है। फाइलिंग अलाउंस का क्या मतलब होता है कि टोलरेंस वो है वो 0.025 से 0.5 mm तक दिया जाता है, नंबर अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, कि इतने साइज में क्या हम फाइल से परिशुद्ध है वो सरफेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इस टॉपिक का, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। क्या दिया है इसमें, फाइलिंग के द्वारा कार्य को 0.05 mm से 0.2 mm तक परिशुद्धता में बनाया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में फाइलिंग करके कार्य को कभी कभी 0.02 mm या 0.01 mm की परिशुद्धता में भी बनाया जाता है, यानी कि 1 μm की शुद्धता में भी बनाया जाता है, ठीक है, 1 μm की परिशुद्धता में भी बना सकते हैं μm, 1 μm, ठीक है, म्यू से क्या दर्शाते हैं, माइक्रोन को दर्शाते हैं, ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड, 1 μm तक वो माइक्रोमीटर हो जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड, वो 1 μm μm, ठीक है। तो 1 μm की शुद्धता में क्या हम फाइल के द्वारा फिनिशिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की आवश्यकता रहती है, तो उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर दीजिए, और हर शाम 8 बजे आपको हमारे चैनल पर एक नया वीडियो मिल जाता है। किसी कारणवश कभी कभी वीडियो वो नहीं बन पाता है,
क्योंकि मैं अभी हमारे होम टाउन में नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नोट्स बनाकर अच्छे से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।